दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोल डाला था जो कि पोल रिलेटेड था आउटबाउंड एम्प्लॉयमेंट, क्रॉस बॉर्डर आउटबाउंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एंड वो ये था कि एक एम्प्लॉई है, नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉई ए है, जो कि एक इंडियन कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है, और उस इंडियन कंपनी ने उस एम्प्लॉई को ओवरसीज असाइनमेंट के लिए यूके भेजा, और यूके में रहकर उसने सर्विसेज रेंडर्ड की और उसको इंडिया में उसने सैलरी दी। उसकी जो टोटल सैलरी थी, कुछ सैलरी उसको इंडिया में मिली और कुछ सैलरी उसको यूके में मिली। एंड उस इंडियन कंपनी ने उसका टीडीएस कंप्लीट एंटायर सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया। तो अभी हमें जो फाइंड आउट करना है कि उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में क्या होगी। तो उस पे दे आर फोर ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस में ऑप्शन ए था कि जिसमें उसकी सारी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी और उसको जो भी उसने टैक्स पे किया है उसका एडजस्टमेंट होके अगर कोई रिफंड बनेगा तो मिल जाएगा। एंड ऑप्शन बी था कि उसकी सारी सैलरी यूके में टैक्सेबल होगी और उसका सारे अमाउंट का रिफंड मिल जाएगा। एंड तीसरा ऑप्शन सी था जिसमें उसकी जो इंडिया में रिसीव हुई है सैलरी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी और बाकी सैलरी उसकी यूके में टैक्सेबल होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन था डी। तो सबसे ज्यादा जो पोल आए वो ऑप्शन ए के लिए आए जो कि 48% थे, ऑप्शन बी के लिए 10%, ऑप्शन सी के लिए 38% एंड रेस्ट ऑप्शन डी के लिए आए। लेकिन मेरा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर इस पोल का करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है, क्योंकि जैसे एम्प्लॉई नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट के केस में नॉन रेजिडेंट है एंड यूके का रेजिडेंट है, तो उस केस में वो जो सैलरी उसको यूके में मिले या उसको इंडिया में मिले, क्योंकि बीइंग ए नॉन रेजिडेंट ही वो जो सैलरी एक्रू अराइज है वो आउटसाइड इंडिया होगी, और अगर सैलरी आउटसाइड इंडिया एक्रू अराइज होगी तो बिकॉज ए इज अ नॉन रेजिडेंट उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं होगी कंप्लीट सैलरी के लिए, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज रिसीव्ड सैलरी इन इंडिया और इन यूके। सो इस पोजीशन की वजह से इसका करेक्ट आंसर बी है। थैंक यू।